रोमांच और रहस्य। कुछ समय से अदिति पीछे मुड़ मुड़कर देख रही थी। जब भी वो अकेली होती थी वो पीछे बार बार देखा करती थी। आकाश पर बादल छाए हुए थे पर अदिति को बरसात का मौसम अच्छा नहीं लगता था क्योंकि उसको घर के अंदर ही रहना पड़ता था। अदिति का बचपन बहुत ही अमीर परिवार में बीता था। 6 भाई बहनों में वो सबसे छोटी थी। पहले के 5 भाई थे। जब अदिति का जन्म हुआ था उसके माता पिता बहुत ही खुश हुए थे। उसके बड़े भाई सोम ने कहा था, हमारी गुड़िया तेरे पांव जमीन पर न पड़े। सोम हिंदी फिल्मों का शौकीन था इसलिए उसकी बातचीत में भी फिल्मी अंदाज होता था। उसके दादा दादी भी बहुत खुश थे। दादाजी ने मूंछों पर ताव देकर कहा था, ये लड़की परिवार में खुशियां ही खुशियां ले आएगी। इसके चौड़े माथे और चमकदार आंखों को तो देखो। धीरे धीरे अदिति बड़ी होने लगी। वो शुरू से ही परिवार में आकर्षण का केंद्र रही थी। एक दिन दुर्भाग्यवश एक सड़क दुर्घटना में उसके मम्मी और डैडी दोनों की मृत्यु हो गई। लेकिन उसके भाइयों ने उसको कभी भी अकेली महसूस नहीं होने दिया। वो उसको चिढ़ाते थे और खूब तंग करते थे लेकिन अगर उसको एक भी खरोंच लग जाती थी तो सभी इकट्ठे होकर आ जाते थे और कोई डिटॉल तो कोई बैंडेड लेने दौड़ पड़ता था। वो किसी और को अपनी बहन को तंग नहीं करने देते थे। अगर कोई गलती से अदिति का नाम भी ले लेता था तो उसके भाई पीटने को आगे आ जाते थे। अदिति की बहुत सी सहेलियां थी। अदिति और उसके कुछ दोस्त हफ्ते में कम से कम एक बार शहर घूमने जाते थे। वो फिल्म देखते थे, पॉपकॉर्न खाते थे, आइसक्रीम खाते थे, कोकोकोला पीते थे। उसकी ज्यादातर दोस्त लड़कियां थी पर एक मोहित ही था जो लड़का था। वो उसकी सहेली प्रीत का भाई था। प्रीत अदिति के भाई श्याम की दोस्त थी। जब प्रीत भाई श्याम से मिलने आती थी वो अपने भाई मोहित को भी लाया करती थी। मोहित अदिति की ही उम्र का था। अदिति और मोहित साथ साथ खेला करते थे। जब वो दोनों बड़े हो गए दोनों एक प्रकार की उत्तेजना महसूस करने लगे। दोनों साथ साथ बैठकर घंटों बातें किया करते थे। दोनों अक्सर एक दूसरे को चूम लिया करते थे लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। एक दिन अदिति के बड़े भाई सोम ने अदिति और मोहित को बहुत नजदीक देख लिया तो वो गरज कर बोला, तुम इस तरह से अदिति की भावनाओं से कैसे खेल सकते हो? तुम उसका नाजायज लाभ उठा रहे हो। हमने तुमको हमारे घर आने दिया, अब तुम हमको ये दे रहे हो बदले में? मेरी बहन को फंसाने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने धक्के देकर मोहित को घर से बाहर फेंक दिया। अगले दिन उसकी बहन प्रीत गुस्से में आई और चिल्लाने लगी, तुमने मेरे भाई मोहित के साथ क्या किया? वो कल रात को घर वापस नहीं आया। सोम ने कहा, हमने तो उसको घर से निकाला था और हम नहीं जानते कि वो कहां गया है। प्रीत ने चिल्लाकर कहा, मुझे मेरा भाई मोहित वापस चाहिए। सभी भाई प्रीत के साथ मोहित को खोजने चल दिए। घर में अदिति उदास बैठी थी क्योंकि उसका सबसे प्यारा दोस्त मोहित गायब हो गया था। गौरी सबसे बड़े भाई सोम की पत्नी थी। उसने अनुरोध किया कि अदिति खाना खा ले लेकिन अदिति ने खाना खाने से इनकार कर दिया। नहीं भाभी, मैं तभी खाना खाऊंगी जब मेरा दोस्त मोहित सुरक्षित वापस आ जाएगा।
अपने कमरे में रो रो कर अदिति ये सोच रही थी कि उसके भाइयों ने कैसे मोहित को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया था। करीब 2 घंटे के बाद नीचे घर में कुछ हलचल सुनाई दी। उसके भाई आ गए थे लेकिन सभी शर्मिंदा थे। अदिति, हम मोहित को खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, प्लीज खाना खा लो, एक भाई ने कहा। अदिति ने इनकार में सारे ला दिया, मुझे भूख नहीं है, आप सब खा लो, मैं मोहित के आने के बाद ही खाऊंगी। सभी बहुत ही परेशान थे। तभी नीचे के बेडरूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। अदिति की आंखें खुल गई, उसने दरवाजा खोल दिया। वो आशा कर रही थी कि मोहित ही होगा और हुआ भी ऐसा ही। बहुत बुरी हालत में दिख रहा मोहित सामने खड़ा था। हेलो अदिति, उसके मुंह से निकलते ही अदिति उससे लिपट गई। ओह, मुझे कितनी खुशी मिली है मोहित। मोहित ने भी उसको कसकर अपनी बाहों में भींच ली। वो बोला, मैंने सोचा कि मैंने तुमको खो दिया था। मोहित ने कहा, बहुत भूख लगी है, आओ देखते हैं कि फ्रिज में क्या है। दोनों सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंच गए। उन्होंने एक ही प्लेट में चावल, चिकन करी, आलू की सब्जी और अचार निकालकर खाना शुरू कर दिया। दोनों हंसते भी जा रहे थे। अदिति बिल्कुल सामान्य हो गई थी। परिवार के लोगों ने राहत की सांस ली थी। अदिति ने मोहित के बारे में कुछ नहीं कहा और ना ही किसी ने कुछ पूछा। वो तो खुश थे कि अदिति ने रात को खाना खा लिया था। वो मन ही मन बोली, मोहित मेरे पास एक रहस्य के रूप में रहेगा, वो मेरा है हमेशा के लिए। हर रात परिवार के सो जाने के बाद मोहित अदिति के कमरे में आने लगा। दोनों बैठकर खूब बातें करते थे। अदिति और मोहित मिलकर ही खाना खाते थे। हर सुबह रसोई में एक गंदी प्लेट मिलती थी, जिसको देखकर बावर्ची मुस्कुराता था और कहता था, अदिति बेटी को रात को दोबारा खाना खाना अच्छा लगने लगा है शायद। किसी को शंका नहीं हुई कि कोई और भी अदिति के साथ खाना खाता था। कुछ दिन के बाद गौरी ने अदिति से कहा, तुम कुछ मोटी मोटी से दिख रही हो। सच में, जानते हुए भी अदिति हैरान होने का नाटक करती थी। मोहित तब तक भी उसका रहस्य ही था। एक दिन उसकी दादी ने कहा, अदिति बेटी क्या तुम रात को ठीक से सो नहीं पाती हो, तुम्हारी आंखों के नीचे काले काले दाग दिख रहे हैं, क्या पढ़ाई की ज्यादा चिंता हो रही है। नहीं नहीं दादी माँ, जरा पढ़ाई ज्यादा हो रही है आजकल, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करें। एक शाम को जब अदिति घर वापिस आई तो उसने देखा कि उसके भाई दादी माँ के चारों तरफ एक गोले में बैठे बातें कर रहे थे। उनकी कुछ बातें अदिति ने भी सुन ली। अब समय आ गया है कि हम खोजना शुरू कर दें, क्या वो मान जाएगी। जैसे ही उन लोगों ने अदिति के कदमों की आवाज सुनी, उन्होंने बातचीत रोक दी। अदिति ने पूछा, क्या आप लोग मेरी बातें कर रहे हैं। गौरी ने उसके पास आकर कहा, अरे तुम तो बरसात में भीग गई हो। नहीं, मुझे बरसात अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, आप लोग मेरे बारे में क्या बातें कर रहे थे। सब शांत हो गए। सुभाष ने अपना गला साफ किया और बोला, हम लोग तुम्हारे लिए लड़का खोजने की बात कर रहे हैं। 6 महीनों के बाद तुम ग्रेजुएट हो जाएगी, तो हम सोच रहे थे कि तुम्हारी शादी कर देते। मेरे दिमाग में पहले से ही एक लड़का है, मोहित, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। सभी सन्न हो गए और फिर निराश देखने लगे। सभी हैरान थे क्योंकि पिछली घटना के बाद घर में कभी भी मोहित की चर्चा नहीं हुई थी। अदिति के दादाजी ने इशारे से उसको अपने पास बुलाया और कहा, हम तो सोच रहे थे कि तुम मोहित को भूल गई हो और वो अब यहां नहीं आता है। अदिति ने कहा, मुझे यकीन है कि वो अब भी मुझसे प्यार करता है, मैं तो सिर्फ उसके साथ ही शादी करूंगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी सचेत हो गए। दादाजी ने कहा, चलो छोड़ो, बाद में बात करेंगे इस बारे में। सोम दरवाजा खोलने चला गया।
उस रात को जब मोहित उसके कमरे में आया तो अदिति कुछ ज्यादा ही सुंदर दिख रही थी। मोहित, जानते हो अब हम हमेशा के लिए एक होने वाले हैं। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूँ अदिति, हम एक दूसरे के लिए ही बने हैं। अगली सुबह वह जल्दी से उठकर कॉलेज के लिए तैयार हो गई। वह डाइनिंग रूम की तरफ गई ताकि घर वालों की बातें सुन सके। हम अदिति को कैसे मनाएंगे? जैसे ही अंदर दाखिल हुई बातचीत रुक गई और सब चुप हो गए। अदिति ने कहा, आप लोग मुझसे क्या कहना चाहते हैं? क्या इसका संबंध मोहित से है? जो कुछ पिछली रात को मैंने उसके बारे में कहा था क्या वही बात है? सोम ने तुरंत कहा, सुनो अदिति, तुम मोहित से शादी नहीं कर सकती हो। वो गायब हो गया और कोई नहीं जानता कि वो कहां पर है। क्या मजाक है, मैं मोहित को हर दिन मिलती हूँ, उसने रात को मिलती हूँ नहीं कहा। बेटे तुम गलत कह रही हो, दादी ने कहा, मोहित तो गायब होने के दिन से आज तक कभी यहाँ आया ही नहीं। अदिति ने दादी का हाथ थाम कर कहा, दादी माँ, मोहित बिल्कुल ठीक है, वो आप लोगों के सामने ही आता है क्योंकि वो घबराता है, लेकिन हमारी शादी हो जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, अब मुझे कॉलेज जाना है। शाम को वो कमरे में गई और नहा धोकर डिनर के लिए तैयार हो गई। मोहित कुछ देरी से आया तो उसको देखकर वो तुरंत ही बोली, आओ मोहित, नीचे चलो, मेरे परिवार के से बात कर लो, वो हमारी शादी करवा देंगे, तुम चलो मैं आ जाऊंगा। अदिति नीचे आकर बैठ गई और सबसे बातें करने लगी। तभी उसने कहा, मोहित ऊपर मेरे कमरे में है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। क्या आप लोग मुझसे खुश नहीं हैं? मैं और मोहित प्यार करते हैं, क्या आप मुझे खुश नहीं देखना चाहते हैं? अदिति उठकर सीढ़ियों के पास गई और बोली, मोहित नीचे आ जाओ, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कोई जवाब नहीं आया। सब डाइनिंग टेबल के चारों तरफ चुपचाप बैठे थे। मोहित नहीं आया था। अदिति ने फिर से आवाज लगाई, वो कुछ घबरा सी गई थी। तभी उसकी दादी ने पीछे से उसके कंधे पे हाथ रख दिया, आओ बेटी आओ बैठो और खाना खा लो हमारे साथ, दादी मोहित भी आता ही होगा। तभी सुभाष ने कह दिया, मोहित नीचे नहीं आएगा, वो उन सीढ़ियों से नीचे नहीं आ सकता है। सुभाष ने अदिति को अखबार से काटा गया एक टुकड़ा दिखाते हुए कहा। अदिति ने कांपते हाथों से वो अखबार का टुकड़ा ले लिया। उस कागज के टुकड़े में मोहित की फोटो छपी हुई थी। उस फोटो के नीचे दो तारीखें लिखी हुई थी, एक तारीख मोहित के जन्म की थी और एक उसकी मौत की। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, अदिति ने चिल्लाकर कहा। उसने कागज का टुकड़ा मुट्ठी में भींच कर कोने में फेंक दिया। नहीं नहीं, मोहित ऊपर मेरे कमरे में, वो हर रात को आता है। सब हैरान हो गए। वो फिर से चिल्लाई, ये सब क्या है, तुम सब मुझे क्यों पागल बना रहे हो? अचानक ही बेहोश होकर नीचे गिर गई। परिवार के लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। सब उस दिन को याद करने लगे जब उन्होंने मोहित को उठाकर घर से बाहर फेंक दिया था। वो उसको बाहर पड़ा छोड़कर घर के अंदर वापस आ गए थे। उस शाम को जब परिवार के लोग बाहर गए थे तो वो सब सन्न रह गए थे, क्योंकि मोहित झाड़ियों के बीच पड़ा था और उसकी छाती में एक चाकू घुसा हुआ था और एक आकृति उसके पास खड़ी थी। अदिति अपने कमरे की तरफ जाने लगी, मैं जा रही हूं, वो मेरा इंतजार कर रहा है। सोम मनी मन अफसोस कर रहा था क्योंकि उसने ही उस शाम को मोहित के घर से बाहर फेंकने के बाद चाकू से मार दिया था और फिर रातों रात उसकी लाश को शमशान ले जाकर जला दिया था। कुछ देर के बाद अदिति अपने कमरे में बैठी फिर से मोहित की भटकती आत्मा से बातें कर रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया।